हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, मेरे पास एक सिंगल कार्ड वाला पीसीबी है, अभी तक देख सकते हो बर्न आउट हो गया सब। तो मैं एक बार सीरीज में आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सीरीज में पावर दिया हूँ, इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। आउटपुट देखिए, आउटपुट कुछ नहीं है, 10 वोल्ट है, लेकिन उसका SMPS सप्लाई ओके है। SMPS को मेजर कर दे रहा हूँ। अब देखिए 28 वोल्ट आ रहा है, इसका SMPS ओके है। फिर यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज रहता है, इसलिए यहाँ पे हीट सिंक में नहीं टच करेंगे, इसको पहले डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज कैसे करेंगे, एक लैंप को इधर लोड दे देंगे। देखिए, एक लैंप का लोड देंगे, लैंप लोड दे दिया, डिस्चार्ज हो गया। तो अब मैं हाथ दे सकता हूँ, हाथ दे सकते हैं। तो पहले मैं इसको ओपन करूंगा, क्या है देखना पड़ेगा, उसके बाद पल्स चेक करूंगा। IGBT गेट में जो ड्राइव सिग्नल आता है, पल्स आता है, वो चेक करूंगा, वो सही है तो उसके बाद IGBT लगाना है। और एक चीज फ्रेंड, और एक चीज ध्यान देने का है, और एक चीज ध्यान देने का है, IGBT लगाने से पहले ये जो डायोड लगा है ना, ये डायोड को भी फ्रेंड चेक करना पड़ता है, वो भी चेक करूंगा वीडियो एंड तक देखिए, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ऐसे PCB में, सिंगल कार वाला PCB में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टेक्नीशियन को, क्योंकि थ्री कार वाला MOSFET बेस जो है, उसमें क्या होता है, उसमें OC जल के रह जाता है, लेकिन IGBT में MOSFET वहाँ पे लगा रहता है, MOSFET नहीं फूटता है फ्रेंड्स। बट क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा फॉल्ट हो जाता है तो IGBT उड़ जाता है। इसलिए फ्रेंड, इसको वीडियो के एंड तक देखिए, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों फूटता है, क्या होता है। और मेरे चैनल में बने रहिए, मैं ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, अब लोगों को हेल्प मिलेगा रिपेयरिंग करने में। फिर मैं थोड़ा सोल्डर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तो इसमें मेल्ट होने में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सोल्डर इसलिए दे देता हूँ। फिर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और देखिए ऐसे करके इधर देखाइए, जैसे जहां पे काम हो रहा है। देखिए, फिर मैंने इसको ओपन कर दिया, देखिए पिन रह गया, सब ब्लास्ट हो गया, इसलिए पिन भी टूट गया सर। इसको ओपन कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको भी ओपन करना है। फ्रेंड, इसको साफ कर ले रहा हूँ डिसोल्डरिंग वायर की मदद से, क्योंकि लगाना तो है, इसलिए जब सोल्डरिंग का काम कर रहा हूँ तो एक साथ कर ले रहा हूँ।
हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया और अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब क्या करेंगे, इधर ब्लास्ट हो गया था या फॉइल डैमेज हो गया, इधर दिखाइए फ्रेंड, इधर साफ करना पड़ रहा है, इधर भी फॉइल डैमेज हो गया, इसको भी थोड़ा पहले साफ कर ले रहा है। उसके बाद फ्रेंड मैं थिनर देके इसको फ्रेश करूँगा। ये पुराना हीट सिंक कंपाउंड को भी तो निकाल दे रहा हूँ, ये इसमें नया लगा दूंगा, इसलिए वहाँ पे लगा था, सबको थिनर देके फ्रेश ऐसे कर दे रहा हूँ। इधर इस जगह को जूम करके जब इधर काम करना है जूम करके दिखाइएगा। तो फ्रेंड मैं इसको कपड़ा की वजह से एक्चुअली यहाँ पे कॉटन देके करता था, इसको साफ कर दे रहा हूँ। इधर देखिए एक टुकड़ा रह गया, इसको निकालना पड़ेगा नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसे देख लीजिएगा ऐसे लास्ट केस में, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सब साफ कर दिया हूँ। अभी क्या करेंगे, इसका जो ड्राइव आता है इस जगह में ये चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा साफ कर लेता हूँ। साफ करने से अच्छा होता है, साफ कर लिया करिए। तो यहाँ पे कॉटन की वजह से देखिए फ्रेंड इतना जल्दी जल्दी एक भी वीडियो पॉज नहीं किया, जल्दी जल्दी कर लिया, ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो ज़्यादा नहीं टाइम लगता है रिपेयरिंग करने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम पावर देंगे, इसका ड्राइव पल्स चेक करेंगे, पहले मीटर से करेंगे, उसके बाद भी और प्रोसीजर है दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड अभी मैं क्या करूंगा, इसका गेट टू सोर्स पल्स चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिखा रहा है। सॉरी एसी में चेक करना था, मैं डीसी में चेक कर रहा था, या वो 1 वोल्ट दिखा रहा है, इधर 2 वोल्ट दिखा रहा है, 1 वोल्ट भी नहीं 0 वोल्ट दिखा रहा है, अरे 1 वोल्ट दिखा रहा है। तो क्या है फ्रेंड, इधर तो दिक्कत लग है, लेकिन इधर चेक करेंगे, इधर देखिए 4 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये जो कंट्रोल कार्ड है इधर से ड्राइव दे रहा है, ठीक है ना, एसी ड्राइव दे रहा है 4 वोल्ट है। इधर देखेंगे, इधर भी 4 वोल्ट है, मतलब ये जो ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर है उसका सेकेंडरी में आउटपुट दे रहा है। इधर देखिए फ्रेंड सेकेंडरी आउटपुट दे रहा है, ये प्राइमरी है 4 वोल्ट दे रहा है, टर्न रेशियो 4, इधर 4 है फ्रेंड, 4 है इधर, 4 है इधर, 4 है, इसका मतलब इसका टर्न रेशियो सेम होगा, मैं देखेंगे अभी। तो इतना काम करने के टाइम हो जाता है, लेकिन इधर नहीं वोल्टेज आ रहा है ना फ्रेंड, इसका मतलब यहाँ पे जो ड्राइवर नेटवर्क सर्किट है इसमें प्रॉब्लम है, इसको चेक करेंगे और आपको दिखा दूंगा मैं वोल्टेज देख के कैसे डिसाइड कर लिया, जो इसका ट्रांसफार्मर का ट्रांजिस्टर कितना होना चाहिए क्या, वो आपको अभी बोल दूंगा। देखिए हाथ देने से पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कीजिए, नहीं तो शॉक देगा, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स अवॉइड कीजिए। तो इसका ड्राइव सर्किट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे
इसको खोल दे रहा हूँ, फैन एक को खोल रहा हूँ, एक को खोल दे रहा हूँ और एक को थोड़ा लूज कर रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ। फ्रेंड इस केस में अगर आप IGBT लगा देते तो है ना उड़ जाता, 100% IGBT उड़ जाता। लीकेज पाल्स की वजह से IGBT गेट में ट्रिगरिंग कर देता और उसको पुल डाउन नहीं कर पाता तो आपका उड़ जाता। तो फ्रेंड ऐसे केस में क्या होता है, वो लगा देता है। और ऐसे भी मीटर में भी चेक करके भी नहीं लगाना है, उसके लिए भी मीटर के तो मैंने देखा पहले, उसके बाद भी और बहुत कुछ है। देखिए ये रेजिस्टेंस खराब है, ये रेजिस्टेंस खराब है, नहीं ठीक है, देख लो इधर से गेट है, गेट है, गेट ये 20 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, बर्न आउट हो गया। ये 5.1 ओम्स का रेजिस्टेंस बर्न आउट हो गया, 5.1 ओम्स का बर्न आउट हो गया, 20 ओम्स का बर्न आउट हो गया। सिर्फ यहाँ पे डायोड सही है, रिपेयर करना पड़ेगा। इधर भी चेक कर ले रहा हूँ क्या इशू है, और सारे रेजिस्टेंस बाहर नॉट हो गया। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 5.1 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। फ्रेंड दोनों खाता खराब हो गया तो इस दोनों को लगाना पड़ेगा, इस दोनों को लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं वीडियो उसके बाद दिखाऊंगा, मैं इसको ओपन करके रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड। अभी फ्रेंड देखिए मैं इस जगह पे यहाँ पे जो ड्राइवर सर्किट था, ड्राइवर कूल डाउन नेटवर्क था, ड्राइवर सेक्शन, इस जगह में बायसिंग का प्रॉब्लम था, रेजिस्टेंस बर्न आउट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे एक 22 ओम का SMD पैकेज का रेजिस्टेंस था, यहाँ इस जगह तीनों में 5.1 ओम का SMD पैकेज के रेजिस्टेंस था, सेम इस साइड में था, इस चैनल में भी था, फिर इसे बर्न आउट हो गया था। तो इधर कार्बन रेजिस्टेंस मिला है, SMD नई पैकेज में नहीं मिला है, इसलिए मैंने कार्बन रेजिस्टेंस को ऐसे डिजाइन करके लगाया हूँ। अब इसका पल्स चेक करेंगे OCRO में, देखिए CRO में चैनल को लगा दिया, CRO में दो चैनल CRO है, CRO में लाइन लगा दिया। अब इसका आवाज दे रहा हूँ, देखिए अभी पल्स देखिए, हाई साइड लो साइड दोनों सही है, सही है, अभी पल्स है। अब फ्रीक्वेंसी देख सकते हो 46.2 kHz, पीक टू पीक 100 kHz, 9900 kHz के आसपास है, 100 kHz के आसपास है। इधर फ्रीक्वेंसी देख सकते हो दो साइड का, और इधर देखिए ड्राइव में देखिए और मीटर में दिखाइए, इधर देखिए मैं ड्राइव वोल्टेज भी आपको दिखा दूँ, इधर भी देख सकते हो, मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखिए इधर ड्राइव वोल्टेज देखिए 4 वोल्ट है फ्रेंड, इधर देखिए मीटर में और इस जगह दोनों के साथ में दिखाइए, देखिए 3.9 आएगा क्योंकि मीटर फोटो चेंज करना पड़ेगा, 3.9, ठीक है फ्रेंड। और एक चीज देखिए इस वायर को खोल रहा हूँ, इस साइड में लगा है, मैं इधर लगा के दिखा रहा हूँ, देखिए उधर सिग्नल चला गया, फिर इधर मैं लगा रहा हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए इस साइड भी ओके है, दोनों में इधर भी ओके है,
इधर भी ओके, दोनों सही है। तो इधर ओके है और इसको भी दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड इस साइड को भी दिखा रहा हूँ, देखिए सिग्नल ओके है, इधर भी दिखा सिग्नल ओके है, दोनों सिग्नल ओके है, वोल्टेज ओके है। तो फ्रेंड क्या होगा, अभी इसको IGBT लगा के पावर देने से पावर लगा रहा हूँ, लगाने के बाद आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, अभी पॉज कर रहा हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे IGBT लगा दिया, ये IGBT का नंबर था 50T65, दोनों लगा दो, इधर दो इधर दो लगा दिया, अभी सर्किट कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे, परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो इसका वोल्टेज ऐसे चेक करेंगे हम। देखिए मैं पावर दिया सीरीज में, मीटर में दिया, अभी देखिए 68-69 वोल्ट हो गया, फ्रेंड हो गया। अभी यहाँ पे स्पार्किंग नहीं करूँगा क्योंकि नया PCB है, स्पार्किंग गिर सकते हैं, तो मैं इसके बॉडी में लगा के फाइनल एक स्पार्किंग करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड ऐसे चेक करना है, और पावर देने से पहले डायोड पहले फ्रेंड चेक कर लीजिएगा, IGBT लगाने से पहले डायोड शॉर्ट है कि नहीं, डायोड भी शॉर्ट होता है चेक कर लीजिएगा। मेरा ऐसे भी वीडियो चैनल में है, अब उधर जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अभी इसको फिटिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड देखिए PCB को मैंने लगा दिया, इधर PCB को लगा दिया, अब ये मैक्स कंपनी का मशीन है, तो एक्चुअली मैक्स बोल के कुछ नहीं है, सिंगल PCB को स्टडी करना है, सिंगल PCB सेम मैक्सिमम केस में सेम ही रहता है, थोड़ा दो तीन मॉडल अलग है। तो पावर दे रहा हूँ, देखिए देखिए फैन चालू हो गया, ये डिस्प्ले भी आ गया, मैं मीटर को दिखा रहा हूँ, देखिए मीटर को देखिए 70 वोल्ट आ गया। फिर मैं स्पार्किंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर देख सकते हो अभी सही हो गया। फ्रेंड अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।